आइए चलते हैं पब्लिक है सब जानती है के सेट पर और जानते हैं हमारे सहयोगी विजय विश्वकर्मा आज क्या खास लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है, इस एपिसोड में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लाकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, वहीं राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुमार अभी तक उतरा नहीं है। जिस तरह से उनके ताबड़तोड़ दौरे हुए थे उसके बाद भी अभी कांग्रेसियों में वो रातों दिन दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनका दौरा हुआ और एक सक्सेसफुल दौरा हुआ वो आज भी महसूस किया जा सकता है। इसी कड़ी को पाटने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह भी रीवा में आए थे। हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियां बन गई हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले हम जान लेते हैं हमारे साथ मौजूद अनिल त्रिपाठी जी जो करंट अफेयर एडिटर हैं, साथ ही जावेद अंसारी जी जो कि एडिटर हैं, इनकी क्या राय है। जी विजय जी, आप सही बोल रहे हैं। आपको पहले तो ये बता दूं, जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी जी वैसे वैसे नेता गर्म होगा जी, मतदाता गर्म होगा। और अब जो है अमित शाह जी आकर चले गए तो 4-5 दिन तक कभी कार्यकर्ता उनके अमित शाह जी के बारे में टिप्पणियां करेंगे, लेकिन कल जो स्थितियां देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी में, ग्राम केंद्र, पालक केंद्र और संयोजकों का कार्यक्रम था, लेकिन जो स्थितियां देखने को मिली उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है और आत्मविश्वास से भरी हुई है। लेकिन अमित शाह के भाषण से ये दिख रहा था कि इस बार भाजपा डरी हुई है। उसके पीछे का कारण मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो यहाँ से फीडिंग हो रही है, तो पहले तो फीडिंग ये थी कि चौथी बार हमारी सरकार बन रही है, आसानी से बन जाएगी, लेकिन बीच का जो माहौल बना तो उस माहौल के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई और राहुल गांधी उस बीच में रीवा जिले में आ गए। तो राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत हुआ, तो राहुल गांधी के स्वागत के बाद ये लगने लगा कि कांग्रेस काफी उत्साह में है और भाजपा के आने, इनके अमित शाह जी के आने के बाद से नेता तो उत्साहित है लेकिन कार्यकर्ता थोड़ा सा उतने उत्साह में नहीं दिख रहा जितने उत्साह में होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यहाँ पर बयानबाजी की कि 50 साल तक वो राज करेंगे, हर एक चुनाव में उनकी फतह होगी, क्या लगता है जावेद जी, आपने करीब से देखा, उनका इंटरव्यू किया और वहाँ की परिस्थितियों को देखा आपने, उस पूरे कवरेज में रहे आप, क्या लगता है कि अमित शाह एक उत्साह से लबरेज थे या फिर एक घमंड उनके सामने आ रहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 3 बार से सरकार है, इस बार केंद्र में भी उनकी सरकार है। अमित शाह को यह लगता है कि उन्होंने इसके पहले जहां जहां दौरा किया, जिस तरीके से दौरा किया, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जैसा कि उन्होंने कहा भी, आज हम 19 राज्यों में हमारी सरकार है, हम सबसे ज्यादा विधायक आज हमारे पास है, सबसे ज्यादा सांसद। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल की मीटिंग में जो उनने कहा, उनने ये तो मान लिया है कि उनने और उनकी पूरी पार्टी ने यह मान लिया कि उनकी प्रदेश में सरकार बन रही है। उनने कहा कि हमें इस बार का चुनाव कांग्रेस को मूल से खत्म करने के लिए लड़ना है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये दावा किया कि इस बार हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि कांग्रेस को यहाँ से, कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ये कितना उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं? देखिए विजय जी, जैसा उन्होंने कहा कि हम चौथी बार, कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि चौथी बार सरकार बनाने के लिए हमें परेशान नहीं होना है, सरकार तो हमारी बनी रही है। जब सरकार हमारी बनी रही है तो उनका मूल उद्देश्य जो उन्होंने टिप्पणी की कि कांग्रेस को मूल से खत्म करना है, मतलब जड़ से खत्म कर देना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, देखिए 140-150 साल पुरानी पार्टी हो चुकी है कांग्रेस, और कांग्रेस को खत्म करने का जिस तरह से कलमी शाह जी ने बोला तो मुझे नहीं दिखता। और विंध्य क्षेत्र में देखिए, पिछली बार भी जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी हावी थी तब भी 12 सीटें थी विंध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल अनिल जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में 30 सीटें हैं और 30 सीटों पे 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा और बीजेपी यहाँ पर चाहती रही कि हम
कई सीटों पर कब्जा करें, लेकिन उनके मंसूबे यहाँ पर कामयाब नहीं हुए थे। इस बार फिर वो चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र में कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए, लेकिन यहाँ के जो कांग्रेसी दिग्गज हैं आज भी उनका वर्चस्व बना हुआ है। ऐसे में कई, मुझे लगता है कई भाजपा के दिग्गज नेता पटखनी खा जाएंगे। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भाजपा के नेता को के नेताओं के साथ ये स्थितियां बन सकती हैं। पहली बार काफी 15 साल बाद ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेसी इस समय एक है। जावेद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था कि इस बार कांग्रेस एक दिख रही है। जी जी। पिछले बार कांग्रेस एक चुनाव में नहीं दिख रही थी, कई अलग अलग ग्रुप वहां पर काम कर रहे थे और जिस ग्रुप को टिकट की मिला बाकी लोग खामोश थे। इस बार कांग्रेस एक है, शायद उनको ये लग रहा है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस बार लड़ने के लिए तैयार दिख रही है और राहुल गांधी के दौरे ने उसको एक संजीवनी दी है। तो ये मान के चलिए कि अगला जो चुनाव आने वाला है, अगला विधानसभा का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, वो इस बार चुनाव रोचक होगा और ऊंट किस करवट बैठेगा आप ये पहले से तय नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। क्या है कि अभी मेरी एक छोटे से कार्यकर्ता से बात हो रही थी, तो हमने कहा इस बार तुम किस खेमे में हो? बोले साहब खेमे मत छोड़िए, हम तो इस बार कांग्रेस के लिए करेंगे, कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तब ना हमारा अस्तित्व रहेगा। मतलब उसकी बातों से ये लग रहा था कि इस बार किसी भी कीमत पे कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। जी बिल्कुल, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे क्या है मऊगंज और गुढ़ का हाल, जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की हालत खराब है। शत मतदान हमें कर आना है, रीवा का अभिमान हमें बढ़ाना है, शत प्रतिशत मतदान हमें कर आना है, रीवा का अभिमान हमें बढ़ाना है। आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें। हम प्रयास करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, अपनी वोट की ताकत हमें दिखाना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, अपनी वोट की ताकत हमें दिखाना है। आओ हम प्रयास करें, लेकर हाथ में हाथ करें, सब मिल साथ साथ करें। आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे अभी जिस तरह से गुढ़ और मऊगंज में हालात पैदा हो गए हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। दोनों के पास प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार किसे यहाँ पर प्रत्याशी बनाए। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर विद्रोह की स्थिति पे है, जहाँ गुढ़ और मऊगंज दोनों जगह पर बहुजन समाज पार्टी एक विद्रोह कर रही है। वहीं यहां पर दो नए दल हावी हो रहे हैं और दोनों नए दलों ने यहां पर अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। बात करें अगर मऊगंज विधानसभा की, तो
तो यहाँ पर क्या हालात है। लक्ष्मण तिवारी जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, श्रवण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक भी हैं और उनका उस क्षेत्र में काफी वर्चस्व भी है। जी विजय जी आप सही बोल रहे हैं। देखिए अभी हाल में बसपा के 3 बार विधायक रहे, फिर बीच में सपा में भी चले गए थे डॉक्टर IMP वर्मा, तो उन्होंने मतलब पार्टी छोड़ के और कांग्रेस को ज्वाइन किया। निश्चित तौर पर उनका जनाधार था तो वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस से सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं तो उनकी टिकट लगभग फाइनल है। भाजपा अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाई है कि हमें पैनल में किसको रखना है, कौन कैंडिडेट है। और जो सूत्रों की खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है तो उसमें NDA में अनुप्रिया पटेल की अपना दल शामिल है और उन्होंने मध्य प्रदेश में 2 सीटें मांगी हैं, एक तो रीवा जिले की मऊगंज और एक ग्वालियर के पास एक सीट है जिसको उन्होंने मांगी है। और मेरे ख्याल से हाईकमान ने, भाजपा हाईकमान ने यह तय भी कर दिया कि इनको 2 सीटें दी जानी चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि मऊगंज में आज तक भाजपा कभी सफल नहीं हुई। 85 को अगर छोड़ दें, 85 में एक कैंडिडेट वहां से जीते थे लेकिन मसूरिया जी, जगदीश मसूरिया जी वहां से जीते थे। उसके बाद से भाजपा आज तक वहां पर नहीं आ पाई। उसके बाद भारतीय जनता शक्ति पार्टी से ये आ गए लक्ष्मण तिवारी जी, श्रवण समाज पार्टी छोड़ गए उमा भारती जी के साथ गए, उसके बाद इन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया, फिर हार भी गए। कुल मिला के भाजपा अभी तक वहां नहीं आई है। अनिल जी मैं जिस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी अब तक कमल नहीं खिला पाई है और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि उनका कमल खिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आने के बाद जो समीकरण बदल गए हैं, अनुप्रिया पटेल का दावा है कि मऊगंज विधानसभा सीट पर अगर उनको टिकट मिलती है, उनके प्रत्याशी वहां पर लड़ाए जाते हैं तो निश्चित ही वो वहां पर कुछ कमाल करके दिखाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए गुड़ विधानसभा की बात करें तो गुड़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व वर्तमान विधायक वहां पर हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी कोई भी अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है कि उसे मैदान पे उतारना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए गुड़ विधानसभा में कांग्रेस के जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनकी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। वो भी सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी सुरक्षित सीट की तलाश में है। भारतीय जनता पार्टी का तो हाल और बुरा है, उनके पास कोई बहुत ज्यादा योग्य प्रत्याशी है नहीं। जो प्रत्याशी पूर्व में कुछ ही वोटों से हारे थे उनको शायद इस बार उम्र का बहाना देकर उनका टिकट काटने की भी बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक संकट का विषय हो सकता है। देखिए मऊगंज में तो बिल्कुल तय हो गया कि जो उनका कैंडिडेट था लक्ष्मण तिवारी वो अलग पार्टी बना के दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और अभी आपने बताया अपना दल से अगर समझौता होता तो अपना दल में अमृतलाल पटेल वहां से चुनाव लड़ेंगे और उसकी नाराजगी, पटेल वोटरों की नाराजगी बहुजन समाज पार्टी को भी झेलनी पड़ सकती है, जिसका फायदा दूसरे दलों को भी। अगर गुड़ विधानसभा की हम बात करें तो जिस तरह से वहां पर युवा नेता पूर्व में जो प्रत्याशी रहे वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी रहे कुंवर कपित ध्वज सिंह ने काफी अच्छा वहां पर वोट बैंक बनाया था और उन्होंने एक उभरते हुए प्रत्याशी और नेता के रूप में अपनी पहचान दिखाई थी। वो समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से वहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोट बैंक पर सेंध मारी और 25,000 से अधिक वोट प्राप्त कर सके, क्या लगता है कि उनको अगर वहां पर फिर उनका दावा पेश होता है तो कांग्रेस और भाजपा किस तरह की स्थितियों से गुजरेगी? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं विजय जी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कपित ध्वज सिंह जी का एक अपना अलग प्रभाव है और चूंकि जिस परिवार से वो जुड़े हुए हैं तो लोगों का स्नेह उस परिवार से जुड़ा हुआ है। वो जिस गांव में भी जाते हैं तो लोग वहां उनको काफ़ी सम्मान देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि गोविंदगढ़ वाला जो सेक्टर है जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में है वहां तो पिछली बार मैंने देखा था कपित ध्वज सिंह जी को 100% मत मिला था, मतलब कांग्रेस को कहीं 10 वोट और भाजपा को 18 वोट और कपित ध्वज सिंह जी को 450 वोट, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस बार भी अगर कपित ध्वज सिंह जी लगेंगे तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर नहीं है जी। मैं आपको यहाँ पर टोकूंगा, मैंने उनका पिछले बार एक कार्यक्रम देखा था पंचकन्या विवाह, जिस तरीके से उस आयोजन में लगभग 20,000 से 25,000 लोग थे और वो सारे के सारे वो जो शादियां कराते हैं और शादी में पूरा पूरा दहेज देते हैं और वो सब निचले स्तर के
मतदाता होते हैं निचले स्तर का, निचले वर्ग जिनकी वो शादी कराते हैं उनके पास खुद के लिए खाने के लिए पैसे नहीं होते। इस तरीके से एक माँ बाप जो सोचता है एक बेहतर अपने बिटिया की शादी करें, उस तरीके का वो आयोजन करते हैं और टोटल वो घराती की भूमिका में होते हैं, माँ बाप की भूमिका में होते हैं। वो असर भी इस बार वहां पर निश्चित रूप से वो डालेगा, निश्चित। वही बात की जा रही थी कि उनका प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा और कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए अगर वो प्रत्याशी वहां पर होते हैं, निर्दलीय होते हैं प्रत्याशी या किसी पार्टी से जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ होगा। जो सूत्र खबर दे रहे हैं भाजपा ने उन पर डोरे डाल दिए हैं, हालांकि वो निर्दलीय रूप से ही चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, लेकिन जो भाजपा ने डोरे डाले हैं, अगर भाजपा की डोर में फंस गए कपिल ध्वज सिंह जी, तो फिर इस बार स्थितियां उनके प्रति काफी अच्छी रहेंगी, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक अलग है, कपिल ध्वज सिंह जी का वोट पर्सनल वोट है 25,000, इसमें काफी वो आगे निकल जाएंगे और कांग्रेस की स्थिति फिर और गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, जहां पिछले चुनाव में कई पार्टियां अपना जमानत भी बचाने में उनके लिए मुसीबतें थी, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाई, यहां तक कि बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां थी वो भी अपनी जमानत वहां गवा बैठी थी, ऐसी स्थिति में जो है कपिल ध्वज सिंह एक उभरते हुए राजनेता के रूप में आए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी से कपिल ध्वज सिंह जी आते हैं तो मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक सीट निकाल सकती है। और अभी जो बात अपन कर रहे थे मऊगंज में, तो मऊगंज की जो देवतालाब क्षेत्र की विद्यावती पटेल जी को पिछली बार BSP से टिकट मिला था, इस बार उन्हें टिकट दिया नहीं गया, वो गुड़ से भी चाह रहे हैं, बसपा ने भी गुड़ की सीट नहीं दी है किसी को, तो पटेल मतदाता केवल विद्यावती के इशारे का इंतजार कर रहा है। इन स्थितियों पर जो राजनीति बनेगी मऊगंज और गुड़ विधानसभा की राजनीति बनेगी पटेल वोट से ही निर्धारित होगी। जी बिल्कुल, रीवा जिले में जिस तरह से पटेल वर्ग के मतदाताओं की होड़ है और बहुतायत संख्या पर है यहाँ पर, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रीय दल ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया है, ऐसे में स्थितियां विपरीत होंगी और वो अगर जिस पार्टी की तरफ रुख करते हैं तो निश्चित ही वो एक बड़ा वोट बैंक के साथ हो जाएंगे। जी, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, रीवा जिले में जो एक तबका है पिछड़ा वर्ग में आता है पटेल और कुशवाहा, तो वो जीत और हार तय करता है, जिस साइड में अगर पटेल वोट बैंक हो गया तो उसी के आधार पर जीत और हार सुनिश्चित होगी। आप क्या मानते हैं कि ये पटेल वर्ग के मतदाता कितना असर डाल पाएंगे? देखिए विजय जी, मैं आपको बता दूं, अगर असर डालने का तो बहुत सीधा सा मतलब समझ में आता है कि लोकसभा में पटेल बहुजन समाज पार्टी हमेशा पटेल मतदाता आधारित रहती है और वो चुनाव जीतते चले आए, इसका सीधा सा असर समझ में आता कि सारी की सारी विधानसभाओं में उनका एक वोट बैंक है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे हम आपको श्रवण समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने 40 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे ये प्रत्याशी कितना प्रभावशाली होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, आज मेरे साथ हैं श्रवण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी जी। आज आपने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी की है, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं उन्होंने लिस्ट में क्या रखा है खास, कितने जगह प्रत्याशी घोषित किए। श्रवण समाज पार्टी की ये पहली सूची है, संक्षिप्त सूची है, इसमें 3 राज्यों के आगामी चुनाव में भागीदारी करने के लिए पार्टी ने 12 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ से, 9 प्रत्याशी राजस्थान से और 19 प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की सूची मध्य प्रदेश से, कुल मिला के 40 लोगों की ये सूची जारी हुई है। निश्चित रूप से श्रवण समाज पार्टी के पवित्र उद्देश्यों को लेकर, जनता की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए, जन भावना के अनुरूप राजनीति में खड़े उतरने के लिए, और निश्चित रूप से अगर कहें कि ये जो एसोसिटी एक्ट आया है, SC ST एक्ट का जो बदला हुआ स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने लाया और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक होकर समर्थन किया है, इससे भारी आक्रोश पूरे देश में है और मध्य प्रदेश इसका अग्रणी राज्य बन गया है। ऐसे स्थिति में
कांग्रेस और भाजपा के अल्टरनेट कोई तीसरी ताकत तीसरा विकल्प नहीं था। लोग नोटा की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे, अब उनको विकल्प मिल गया है, विश्वसनीय विकल्प मिल गया है। लोगों को भरोसा है कि जिस पार्टी को एक फौजी ने शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं इसको इस विचारधारा को पूरे प्रदेश के लोगों तक ले जाएंगे, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। और ये आपको बताते हुए मुझे बेहद हर्ष है कि इसमें संपूर्ण समाज के लोग, खासतौर पर जिनके ऊपर ये हरिजन एक्ट लगने वाला है, उनका व्यापक समर्थक पूरे प्रदेश में मिल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आगामी दिनों में सवर्ण समाज पार्टी सरकार बनाकर लोगों के जन कल्याण के लिए आगे। आपका आपकी समान विचारधारा वाले लोगों से क्या कुछ समझौते की बातचीत चल रही है और वो किस स्टेज पर है? निश्चित रूप से चल रही है, इससे नकारा नहीं जा सकता। इस काम के लिए हमने एक रिटायर्ड आईएएस, वरिष्ठ आईएएस श्री रघुवीर श्रीवास्तव जी का इसका समन्वय समिति का चेयरमैन बनाया है और वो उनको अधिकृत किया है कि आप ऐसे लोगों से जो हमारे मूल सिद्धांतों से मेल खाते हैं और उसी बात के लिए अलग अलग न लड़ें, वोटों का बंटवारा ना हो, ताकि जो जनता की मंशा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को हम सत्ता से बेदखल करें, उस काम में हम कामयाबी पाएं। माननीय श्रीवास्तव साहब बेखूबी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद है कि 5-7 दिनों में इसके परिणाम सामने आ जाएं। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक्ट लाया है, उस एक्ट के खिलाफ यहाँ पर काफी आक्रोश था, जनमानस में काफी आक्रोश था। उसमें एक संगठन था करणी सेना, क्या करणी सेना भी आपके साथ आने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से करणी सेना अभी कोई रजिस्टर्ड भारतीय निर्वाचन आयोग से दल नहीं है इस नाते भी, और करणी सेना का भी जो मूल उद्देश्य था वो हमारे जो हमने 1994 में शुरुआत की थी इसकी आर्थिक आधार पर आरक्षण, SC ST एक्ट का खात्मा और प्रत्येक किसान परिवारों को उसके घर से योग्यता अनुसार एक आदमी को नौकरी शासकीय देना, क्योंकि इससे लालीपाप नहीं रहेगा, ओला पाला की माफ़ी नहीं होगी, कर्ज माफ़ी नहीं होगी, बिजली बिल माफ़ी नहीं होगी, जो अनेक तरह से लालीपाप दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, इससे मुक्ति परमानेंट छुटकारा पाने के लिए अगर एक किसान परिवार के घर से अगर एक आदमी सर्विस पर हो जाएगा तो अपना दैनिक जीवन का कार्य, उदर पोषण का काम, अपने परिवार को संगठित करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम वो कर डालेगा। इसलिए हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट से ही हम इसका इंतजाम करेंगे कि प्रत्येक किसान परिवार के 5 एकड़ तक के किसान परिवार को हम एक शासकीय नौकरी देंगे। क्या माना जाए अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है या विधानसभा में ऐसी स्थिति में निर्णायक भूमिका में होती है, उस स्थिति में आप किधर जाएंगे? नहीं, जो आएंगे हमारे साथ हैं, हम कटिबद्धता से जनता से वादा कर रहे हैं और जनता मुझे जगह जगह भरोसा दिला रही। आज मुझे 31 दिन हो गया इस पार्टी को पुनः ज्वाइन किए हुए और 30 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल और विकल्प नहीं बना। ये पहली ऐसा पार्टी है, पहला विकल्प है जो पूरे प्रदेश में ये दल खड़ा होने जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि लोगों का मन है और इसके पक्के उदाहरण 6 सितंबर का दिन रहा, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था भाजपा से, कि बिना झंडा, बिना बैनर, बिना नेता, बिना नेतृत्व पूरा भारत और खासतौर पर मध्य प्रदेश का कोना कोना, गांव गरीब का भी एक कस्बाई तक भी दुकानें अपने आप स्वतः बंद थी उस व्यापक समर्थन में, और उसको हमारी तरफ झुकाव हो रहा है और निश्चित रूप से ये परिणाम तक हम पहुंचे। मध्य प्रदेश में आपने 19 सीटें घोषित की हैं, उसमें रीवा जिले की कई सीटें शामिल है, लेकिन आपने रीवा और सिमरिया पर अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्या ये माना जाए कि इस पर आप ये देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस किन प्रत्याशियों को उतारेगी, उसके हिसाब से आप मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर देंगे? निश्चित रूप से सिमरिया और रीवा के साथ देवतला, ये 3 विधानसभाओं पर सवर्ण समाज पार्टी बहुत गंभीरता से, क्योंकि जो सीटें हमने डिक्लेयर किया है वो तो हम निश्चित रूप से फाइट में जीतने की स्थिति पर हैं, और इन 3 सीटों को भी हम फाइट दें, मुकाबला करें, जीत हार करें। हम इनके प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस की, भाजपा की हो जाने के बाद जो जनता का फीडबैक मिलेगा उसी हिसाब से हम आगे इन 3 सीटों में भी प्रत्याशी घोषित करें। ये थे हमारे साथ सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी, जिन्होंने आज अपनी विधानसभा चुनाव की 3 राज्यों की पहली लिस्ट जारी की है। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं इस स्टूडियो को दिनोदन उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो,
ये स्टूडियो ही नहीं, ये संस्था बहुत दूर तक जाए और देश के कोने कोने में जन कल्याण की दिशा को ये बड़े से फर्क के साथ इसको आगे बढ़ाए, ये मैं शुभकामना देता हूँ। ये पब्लिक है सब जानती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप देखते रहिए रीवा दर्शन।